एंड एजेक्टिव एजेक्टिव इज़ एनी वर्ड दैट इज़ यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन ये दो चीज़ें याद रखनी हैं ये चीज़ एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और मॉडिफाई करता है मॉडिफाई करता है मतलब उसके अंदर उसकी जो मीनिंग है उसको एक्सटेंड करता है किसके नंबर वन नाउन एंड नंबर टू प्रोनाउन के ये याद रखना है क्योंकि एडवर्ब और एडजेक्टिव ये कंफ्यूज कर जाते हैं यस कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे को तो आप सिर्फ इस बात को मेक श्योर sure कर लें कि एन एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को एग्जांपल ब्लू मैनी स्मार्ट एट्सेट्रा एक नाउन या प्रोनाउन की को डिस्क्राइब करना कि वो कैसा है उसका आ, हैयत कैसी है उसका रंग कैसा है आ, उसकी वैल्यू क्या है आ, कुछ भी मतलब नाउन को जो एक्सप्रेस करेगा या मॉडिफाई करेगा लर्न दैट मॉडिफाई मॉडिफाइड एंड प्रोनाउन एन एजेक्टिव इज एनी वर्ड दैट इज़ यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन एजेक्टिव टिपिकली आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ मैनी वाट काइंड और विच वन कितने हैं किस तरह का है और कौन सा है कोई नाउन या प्रोनाउन कितने हैं किस तरह के हैं उसकी किस्म क्या है और वो कौन से हैं नंबर्स आर कंसिडर्ड एजेक्टिव वैन दे आर यूज टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी जब भी लाइक थाउजेंड पीपल तो वहाँ पर जो थाउजेंड होगा वो जो चूँकि आंसर कर रहा है कि लोग हाउ मैनी है तो वहाँ पर थाउजेंड विल बी कंसिडर्ड एज एन एडजेक्टिव आर्टिकल्स ए एन एंड द आर कंसिडर्ड एजेक्टिवस बाई मैनी बिकॉज द आंसर दे आंसर द क्वेश्चन विच वन ठीक है क्योंकि जब भी किसी वो नाउन के साथ आर्टिकल लगता है ए एन और द तो वो उसको स्पेसिफाई कर देता है वो उसकी उसको बयान करा होता है कि कौन सा वाला तो वो उसके इसलिए इसको एडजेक्टिव्स कंसीडर किया जाता है आर्टिकल्स को भी हाउ एवर सम पीपल कंसीडर आर्टिकल्स टू बी अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच हम उसे एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच भी करेंगे और प्लस हमने चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटर्मिनर्स करने होते हैं तो मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि डिटर्मिनर्स हम किसे कहते हैं यहाँ तक इतना याद रखिए कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन् एंड प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं और इन सवालों के जवाब देते हैं like लाइक एक नाउन के बारे में अगर आप ये सवाल करें कि वो कितने नाउन्स हैं तो जो उसके लिए जो वर्ड आंसर आएगा वो एडजेक्टिव होगा उसके लिए किस तरह का है लाइक like एक किताब है तो वो किस तरह की है वो मोटी हो सकती है वो नीली हो सकती है वो बारीक हो सकती है वो रफ़ हो सकती है हार्ड हो सकती है वो नीट हो सकती है ये सारी क्वालिटीज़ होंगी ये वॉट काइंड का आंसर कर रही होंगी तो आ, हाउ मैनी व काइन एंड विच वन का आंसर करें टिपिकली ऐसे वर्ड्स को हम एजेक्टिवस uh, कहते हैं